नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। आज के जो सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये विश्व मंगल से हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि ये विश्व मंगल का क्वेश्चन है, बिजनेस के ऊपर ही है रिलेटेड, तो हम इसको आज इस टॉपिक को बंगला में हैंडल करेंगे, ताकि हमारे जो मैक्सिमम जो यहाँ के लोग हैं वो हिंदी तो समझते हैं बहुत अच्छा, मगर अगर उनके लैंग्वेज में उनका ये रिक्वायरमेंट पूरा हो तो काफ़ी अच्छा है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस एग्जांपल के लिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है आपका स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर इसको बोलते हैं। ये दोनों तरफ से आप घुमा के देख लीजिए, यहाँ पे ये कौन इसका वेंडर है, सारा डिटेल इसका यहाँ पे रहता है। तो एक व्यूअर है, इनका क्वेश्चन है हमारा कि ये जो स्टैम्प पेपर का बिजनेस है ये कैसे किया जाता है, यानी कैसे कोई भी पर्सन जो है ये स्टैम्प पेपर बेचने का वेंडरशिप ले सकता है। तो बहुत कम लोगों की इसके बारे में जानकारी है कि ये होता है कैसे है। मैक्सिमम लोग जानते हैं कि जो लॉयर है वही ला के बेच पाता है या कोर्ट में देता है, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं, अफवाह हैं जो मार्केट में पहले से बनी हुई है। तो आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि ये चीज़ है क्या। कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 प्लस एज है और मिनिमम उसको सिग्नेचर या सपोज कीजिए 10 क्लास एक बेंचमार्क है या नोटरी है या लॉयर है तो बहुत अच्छी बात है, ये बिजनेस कर सकता है। मगर ये बिजनेस ऐसा नहीं कि आप एक जगह से खरीद के लाए दूसरी जगह बेचने लगे। अगर आपको रजिस्टर्ड इसका वेंडर होना है गवर्नमेंट के यहाँ पे, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है इसको देखता है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एज ए वेंडरशिप ये स्टैम्प पेपर बेचने के लिए। आप वहाँ पे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कीजिएगा, पहले तो कैश मोड में होता था, फिर जाके गवर्नमेंट आपको इसका परमिशन देगी, आपका डॉक्यूमेंटेशन आपका KYC सारा कुछ जमा रख के आपको देगी, फिर आप उसको ला के अपने यहाँ पे आप उसको बेच सकते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे DM ऑफिस होता है वहाँ पे आपका फाइनेंशियल रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का भी ऑफिस होता है, उसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इसका आपको जाके एज ए वेंडरशिप के लिए एप्लीकेशन होता है, और उन्हीं लोगों के पास गाइडलाइन होता है और सिस्टम होता है कि वो आपका एप्लीकेशन पिटीशन देख के आपको अप्रूव कर पाएँ ताकि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। जैसे कोलकाता में इसका भी ऑफिस है, इसका ई कॉमर्स सॉल्यूशन बोल के फॉर्चून टावर 5th फ्लोर में इसका ऑफिस है, 23 NS रोड पे। और इसका जो वेबसाइट है जहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिल सकती है इसका कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया, वह www.wbfinc.nic.in, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है रेवेन्यू स्टैम्प का, उसका ये ऑफिस है। यहाँ से आप पूरे वेस्ट बंगाल की जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहना है, मतलब आप सपोज कीजिए कोलकाता से दूर हैं या वेस्ट बंगाल के किसी अन्य कॉर्नर पे हैं, तो आप वहाँ का जो DM ऑफिस है, वहाँ का जो रेवेन्यू डायरेक्टर का जो ऑफिस है, वहाँ पे आप जाके इसको रजिस्ट्रेशन करा के इसके बारे में जानकारी लेके, कि और भी अगर क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए पहली बार नहीं जानते हैं तो, मोस्ट प्रॉब्ली आपको KYC आपका एजुकेशन का सिस्टम और कुछ साइट सिक्योरिटी भी लगता है, ये करके आप इसका बिजनेस चालू कर सकते हैं। और बहुत अच्छा बिजनेस है ये और बहुत अच्छा चलता भी है, और कभी कभी तो सिचुएशन ऐसा आता है कि ओवर प्राइसिंग में भी बिकता है। अब समझ ही रहे होंगे क्या बोलना चाहता हूँ मैं, बहुत समय इसका हमेशा रहता नहीं है क्राइसिस, तो बहुत अच्छा इसमें कमाई है और आप काम कर सकते हैं। अगर कोई साइबर कैफे चला रहा है या फॉर्म फिलिंग का काम कर रहा है या ऑनलाइन सेंटर चला रहा है या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा है या लॉयर है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वहाँ पर क्लाइंट आते रहते हैं, तो जो जहाँ पर भीड़ आती रहती है वहाँ पर कोई भी बिजनेस करना बहुत ही आसान है। तो ऐसे अगर पर्सन हैं जो इसको काम को करें तो काफ़ी अच्छा होगा। बंगला बोलते बोलते हमने इसको ये हिंदी में बना दिया, मगर हम नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे आपको इसका एक सेम वर्जन बंगला में भी आपको बना के जल्दी से जल्द तुरंत से तुरंत दें। देखते रहिए हमारे चैनल को, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि ये चैनल आपके काम के लिए है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो बिजनेस के बारे में आपको अपडेट मिल पाए और आपको अच्छा करियर स्टार्ट कर पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।